मेरे ससुरों के सामने, मेरी सास और नंद देवरानी के थाने के सामने, और इतने सारे युवा मेरे बेटा है बेटा इमरती पे बेटा नंदन के, इन बेटों पे इमरती देवी घमंड करती है। इसने मेरे बेटों के सामने और कमलनाथ ने जो भाषा बोली है, उस दिन मेरा पूरा का पूरा परिवार जितने बैठे हैं डबरा विधानसभा में, मैं कभी ना विधायक बनी ना मैं कभी मंत्री बनी, मैं डबरा विधानसभा की, आप ही देखते होंगे कि आपके परिवार की महिला हूँ डबरा विधानसभा की। और अगर परिवार की महिला की आपने 3 तारीख को लाज नहीं रखी तो आप जानो आपको काम जानो। हम तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं अकेली नन्या, कल हमारे प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में अगर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं, हम बता दे हम सही सही बात करते हैं। हमारे थे ना चाहे दतिया जिले में समझ लो चाहे ग्वालियर में समझ लो, वैसे आदमी होते ना गवारी टाइप के, वो तो बस पूरे शराबी गवारी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पीपा के वो मेला निकलते तो क्या क्या आइटम जाला, तो कैसे ही लोग चल पाएंगे फिर कमलनाथ बन गए। अब उन्हें शर्म गंगा की एक हम प्रतिनिधि है, अब भी हम कैबिनेट में मंत्री हैं और वो ऐसी भाषा बोल के हमसे जा रहे, तो मैं और वो भी भाई के दिन चल रहे थे, भगवती के दिन चल रहे थे, और भगवती के सामने अगर ऐसी भाषा बोली ना तो आप देख लेना मध्य प्रदेश में जीवन में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगी जीवन में, और 28 के 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी जीत रही, और हमेशा को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आपको सरकार के साथ रहना है और अपनी इमरती के साथ रहना है। धन्यवाद। जय।